अभी देखिए, हम लोगों ने जब एक चक्रीय प्रणाली चालू की तो सबको जीने का अधिकार दे दिया। तो आज इन मकोड़ों की तादाद आप देख रहे होंगे कि प्रति स्क्वायर फीट ये 10-10, 15-15 मकोड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर और कितने दबे हैं। तो इनकी बेतहाशा तादाद। अब ये इन मकोड़ों ने काम क्या किया है, मकोड़ा ये कहते हैं कि ये एफिड को प्रवाह होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि ये एफिड के प्रवाह नहीं है, ये जो हमारे यहाँ पतंग इल्लियों के अंडे डालती है उनको भी खाने का काम करते हैं, ज़मीनों में छेद भी करते हैं, इस तरह से कीट नियंत्रण का भी काम हो रहा है। लेकिन हम एफिड्स के ये प्रवाह है बोलते हैं, लेकिन आपको किसी भी फसल पे एफिड नहीं दिखेगा हमारे यहाँ। इस तरह से जो तेलिया बोलते हैं या मावा बोलते हैं उसको प्रवाह कहा जाता है इनको, लेकिन हमारे किसी भी फसल में वो रोग नहीं है। तो रोग भी नहीं है लेकिन इनकी तादाद भी है। तो ये इनकी एक फंक्शन तो ये हुआ कि ये कीट नियंत्रण का काम कर रहे हैं, दूसरा ये हुआ कि ये ज़मीनों में ऐसे छेद बना रहे हैं जगह जगह, ये छेदों से पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट भी कर रहे हैं, यानी ये पानी भी पैदा कर रहे हैं, कीट नियंत्रण भी काम कर रहे हैं, और तीसरा इनकी डेड बॉडी जब ज़मीन में मिलेगी तो बहुत बड़े पैमाने पर खाद भी होगा। अभी मैं आपको एक फसल में इनकी तादाद बताऊंगा, आप तादाद देख के आश्चर्यचकित होंगे। वो ही हमारी फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, वो ही हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का रोग नहीं आने दे रहे हैं।